बेटा बड़े होके तुम क्या बनोगे? अंकल मैं तो आप जैसा बनूंगा। मतलब इंजीनियर बनोगे? नहीं अंकल, इंजीनियर नहीं बनूंगा। फिर बेटा क्या बनोगे? अंकल मैं दूसरों के घर में जाके नमकीन बिस्कुट खाऊंगा और उनके बच्चों से पूछूंगा बेटा बड़े होके क्या बनोगे। ओके, सो बस इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर इस टाइप के कार्टून फेस वाली वीडियो का सबसे ज्यादा वायरल होती है। सब स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस बंदे के गाइस मिलियंस में व्यू जाते हैं इस टाइप की वीडियोस के ऊपर। तो गाइस अगर आप भी कुछ इस टाइप की वीडियो बना के अपने इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पर अपलोड करते हो तो गाइस आपकी वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल होने वाली है। गाइस आपको इस टाइप की वीडियो शूट कैसे करनी है, एडिट कैसे करनी है और गाइस आपका इस टाइप का फेस कैसे लगाना है, गाइस आपका फनी साउंड इफेक्ट कैसे ऐड करना है, आपको सब कुछ सबसे सिंपल इस टाइप में बताने वाला हूं। सो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बाकी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो गाइस सबसे पहले करना क्या है, गाइस इसके लिए आपको अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है संता बंता जोक। गाइस आप यहाँ पे सिर्फ जोक भी टाइप कर सकते हो, ठीक है। देन आपका पे सर्च वाला ऑप्शन क्लिक करना है। गाइस आपको इमेज वाले ऑप्शन क्लिक करना है। गाइस सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे एक फोटो डाउनलोड करनी पड़ेगी जोक वाली, गाइस जिसके ऊपर यहाँ पे हम वीडियो बनाने वाले हैं। आपका पे बहुत सारे जोक मिल जाते हैं, आप यहाँ पे किसी पे भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस मैं यहाँ से ये वाली डाउनलोड करूंगा, ठीक है। तो गाइस इस पे क्लिक करेंगे, इनके साथ आपका पे इस वाले फोटो पे टैब करके रखना है। देन आपका पे डाउनलोड इमेज पे क्लिक करना है। गाइस हम यहाँ पे इसी वाले जोक के ऊपर यहाँ पे अपनी वीडियो बनाने वाले हैं, तो बिल्कुल ध्यान से देखना। और गाइस इस वाले जोक के अंदर दो करेक्टर है, गाइस यहाँ पे पहला संता है, गाइस यहाँ पे दूसरा बनता है। आप गाइस सबसे पहले करना क्या है, गाइस आपका पे अपने दो करेक्टर बनाने पड़ेंगे, ठीक है। गाइस आप यहाँ पे आलू गोभी कुछ भी रख सकते हो, गाइस फिलहाल मैं यहाँ पे टमाटर रखता हूँ, ठीक है। पहले यहाँ पे टमाटर रखेंगे और दूसरा गाइस यहाँ पे बैंगन रखेंगे। तो गाइस सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे ये डाउनलोड करने पड़ेंगे। तो आपको यहाँ पे फिर से इस पे क्लिक करना है। गाइस आपको यहाँ पे टाइप करना है टमाटर PNG, आपका पे इतना टाइप करना है। देन आपका पे सर्च वाला ऑप्शन क्लिक करना है, आपको फिर से इमेज वाला ऑप्शन क्लिक करना है। गाइस आपका पे बहुत सारे PNGs मिल जाएंगे। गाइस बस आपको यहाँ पे ऐसे क्लिक करना है, आपका पे टैब करके रखना है। देन आपका पे डाउनलोड इमेज वाला ऑप्शन क्लिक करना है। सो अभी क्या करना है, गाइस आपका पे दूसरा करेक्टर डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस जैसे हम यहाँ से अभी बैंगन डाउनलोड कर लेते हैं, तो आपका पे टाइप करना है बैंगन PNG, ठीक है। आपका पे इतना टाइप करना है। देन आपका फिर से इमेज वाला ऑप्शन क्लिक करना है। गाइस आपका पे बहुत सारे PNGs देखने के लिए मिल जाएंगे। सो जैसे हम यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, गाइस आपका पे फिर से इस पे टैब करके रखना है, ठीक है, फोटो पे। देन आपका पे डाउनलोड इमेज वाला ऑप्शन क्लिक करना है। गाइस यहाँ पे दोनों ही डाउनलोड हो चुका है। सो गाइस अभी क्या करना है, आपको गाइस इनका एक बैकग्राउंड भी डाउनलोड करना पड़ेगा, गाइस जहाँ पे हम इन दोनों को बैठाने वाले हैं। सो अभी क्या करना है, गाइस आपका पे फिर से टाइप करना है बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड इतना टाइप करना है। देन आपका पे सर्च वाला ऑप्शन क्लिक करना है। गाइस आपका फिर से इमेज वाले ऑप्शन क्लिक करना है। गाइस आपका पे बहुत सारे बैकग्राउंड मिल जाते हैं, आप यहाँ पे किसी पे भी क्लिक करके इजीली आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसे मुझे यहाँ से ये वाला अच्छा लग रहा है तो इस पर क्लिक करेंगे। गाइस आपका पे इस पर क्लिक करके रखना है। देन आपका पे डाउनलोड इमेज वाला ऑप्शन क्लिक करना है। गाइस यहाँ पे ऑटोमेटिक ये भी डाउनलोड हो जाएगा। गाइस आपका बहुत सारे बैकग्राउंड मिल जाते हैं। तो गाइस अभी आपका पे दूसरा बैकग्राउंड भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, गाइस जिसमें यहाँ पे बैंगन बैठने वाला है, ठीक है, जिसमें यहाँ पे बैंगन को एडजस्ट करने वाले हैं। सो जैसे इस पे क्लिक करेंगे और गाइस यहाँ पे नीचे भी आपको बहुत सारे देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इस पे क्लिक करेंगे, गाइस आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करके रखना है। देन आपका पे डाउनलोड इमेज पे क्लिक करना है। सो गाइस यहाँ पे हमारे दोनों करेक्टर तैयार हो चुके हैं। सो गाइस अभी क्या करना है, आपको यहाँ पे ये अपने बैकग्राउंड के ऊपर बैठाने हैं। तो उसके लिए क्या करना है, गाइस आपको सामने पिक्सआर्ट ऐप को ओपन करना है। और गाइस पिक्सआर्ट ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पे इजीली मिल जाएगा, ठीक है, आप यहाँ पे बहुत ईजीली जाके डाउनलोड कर सकते हो। और फिर आपको ओपन कर लेना है। देन आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, एडिट फोटो वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे। और गाइस आपको अपना पहला बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, ठीक है, आपको यहाँ पे बैकग्राउंड चूज करना है। तो गाइस इस पे क्लिक करेंगे और आपका पे चूज कर लेना है। गाइस सबसे पहले आपका पे इसका फ्रेम चूज करना पड़ेगा। तो आपका पे टूल वाला ऑप्शन क्लिक करना है, क्रॉप वाले ऑप्शन क्लिक करेंगे। गाइस आपका पे ये वाला फ्रेम चूज करना है, ठीक है, स्टोरी वाला, तो क्लिक करेंगे, चूज करेंगे। देन आपका पे रेड वाला ऑप्शन क्लिक करना है। सो गाइस अभी क्या करना है, आपको यहाँ से अपना करेक्टर एड करना पड़ेगा। तो आपका पे साइड में स्लाइड करना है। गाइस आपको पे एड फोटो वाला ऑप्शन क्लिक करना है। और गाइस देखो, आपको यहाँ से अपना बैंगन चूज करना है, ठीक है, बैंगन। आप यहाँ पे टमाटर भी कर सकते हो, तो गाइस जैसे मैं टमाटर ही कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन आपको पे एड वाला ऑप्शन क्लिक करना है। गाइस आपका पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। सो गाइस अभी क्या करना है, आपको यहाँ पे इसका बैकग्राउंड रिमूव करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, इस वाले पे। सो क्लिक करेंगे, देन आपको यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करना है।
गाइस यहां पे ऑटोमेटिक इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। गाइस आपको यहां पे अपने डाटा को ऑन करके रखना है। सो यहां पे हो चुका, आप अभी देख सकते हो। देन आपको यहां पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है एंड गाइस आपको यहां पे अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लेना है। सो यहां पे से इतना करेंगे, देन आपको यहां पे रेटल ऑप्शन क्लिक करना है। सो गाइस अभी क्या करना है, आपको इसको थोड़ा सा रियल टाइप का बनाना है। तो उसके लिए आपको यहां पे साइड में जाना है, आपको यहां पे स्टिकर वाले ऑप्शन क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे टाइप करना है शैडो, ठीक है, शैडो का आपको पे शैडो टाइप कर लेना है और आपको पे सर्च वाला ऑप्शन क्लिक करना है। कैसे आपको बहुत सारी शैडो देखने के लिए मिल जाती है। कैसे आपको यहाँ पे गोल वाली चूज करनी है, ठीक है, ये वाली, इससे काफ़ी ज़्यादा रियल लगेगा। सो गाइस आप पे आ चुके हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। देन आपको इसको थोड़ा सा बड़ा करना है एंड कैसे आपको नीचे की साइड ला के रखना है। सो गाइस आप पे काफ़ी ज़्यादा रियल लग रहा है, आप अभी देख सकते हो। देन आपको राइट वाला ऑप्शन क्लिक करना है, कैसे आपको इस वाला ऑप्शन क्लिक करना है और आप कैसे अपनी इस वाली फोटो को अपनी गैलरी में सेव कर लेना है। सो गाइस आप पे हमारा एक करेक्टर तैयार हो चुका है। गाइस आपका पे अपना फेस भी लगाना पड़ेगा और आपका पे वॉइस भी ऐड करनी पड़ेगी। कैसे करनी है वीडियो को लास्ट तक देखते रहो, गाइस आपको सारा कुछ बता दूंगा। सो गाइस अभी आपको यहाँ पे दूसरा करेक्टर बनाना पड़ेगा, ठीक है, बैंगन वाला। सो आपका से बैक करना है, गाइस आपको पे डोंट से पे क्लिक करना है और गाइस इस बार आपका पे अपन दूसरा वाला बैकग्राउंड चूज करना है, ठीक है, ये वाला। तो क्लिक करेंगे, चूज करेंगे, देन गाइस आपको पे टूल वाला ऑप्शन क्लिक करना है, फिर से आपका पे क्रॉप वाला ऑप्शन क्लिक करना है एंड गाइस आपका पे स्टोरी वाला फ्रेम चूज कर लेना है, ठीक है, ये वाला। और यहाँ पर एड वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे, देन आपको पे साइड में सेलेक्ट करना है, एड फोटो वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे और गाइस इस बार आपका से अपना ये बैंगन चूज करना है, ठीक है, ये वाला। तो क्लिक करेंगे, चूज करेंगे और आपके यहाँ पे एड वाला ऑप्शन क्लिक करना है। जैसे आपके यहाँ पे इसका फिर से बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, देन आपके यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड, ठीक है, इस वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे रिमूव हो चुका है, देन आपके यहाँ पे बड़ा करना है एंड आपके यहाँ पे नीचे की साइड ला के रख देना है और यहाँ पर रेड वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे। ऐसे आपका भी फिर से थोड़ा सा रियल टाइप का बनाना पड़ेगा, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेक लग रहा है ना। सो गाइस आपका पे स्टिकर वाला ऑप्शन क्लिक करना है, देन आपका पे फिर से शैडो टाइप करना है, ठीक है, शैडो तो टाइप करेंगे, देन आपका पे सर्च वाला ऑप्शन क्लिक करना है। कैसे आपका बहुत सारी शैडो देखने के लिए मिल जाते हैं, पर कैसे आपका पे गोल वाली ही चूज करनी है, ठीक है, यहाँ पे सबसे बढ़िया लगेगी। तो क्लिक करेंगे, चूज करेंगे और कैसे आपका पे थोड़ा बड़ा करना है एंड आपका पे नीचे की साइड ला के रख देना है, देन आपको राइट वाला ऑप्शन क्लिक करना है। सो गाइस आप ये हो चुका है, देन आपका पे इसे सेव कर लेना है, ठीक है, अपनी गैलरी में। सो गाइस आप दोनों करेक्टर तैयार हो चुका है। तो अभी क्या करना है, गाइस आपको यहाँ पे अपना फेस ऐड करना पड़ेगा, तो अभी बिल्कुल ध्यान से देखना। तो इसके लिए आपको अपने इंस्टाग्राम को ओपन करना है, ठीक है, इंस्टाग्राम को। सो गाइस आप जाएंगे, यहाँ पे करेंगे ओपन, देन आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, गाइस आपको पे रील वाले ऑप्शन क्लिक करना है, ठीक है, इस वाले पे। तो गाइस यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन आपको इफेक्ट वाला ऑप्शन क्लिक करना है और गाइस आपको यहाँ पे टाइप करना है फेस बिल्डर, ठीक है, फेस बिल्डर। तो गाइस यहाँ पे फेस टाइप करेंगे, देन आपको यहाँ पे बिल्डर टाइप करना है, गाइस आपको यहाँ पे इतना टाइप करना है, देन आपको यहाँ पे इस वाले फिल्टर पे क्लिक करना है, ठीक है, फेस बिल्डर इस वाले पे। तो गाइस यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन आपको यहाँ से बैक करना है, गाइस आपको यहाँ पे ऐड मीडिया, ठीक है, इस वाला ऑप्शन क्लिक करना है और गाइस आपको यहाँ से अपना पहला वाला करेक्टर चूज करना है, ठीक है, ये वाला। सो गाइस आप यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे से कर लेंगे चूज और आपका से अपने फ्रंट कैमरा को ओपन कर लेना है। सो गाइस आप हो चुका है, देन आपका भी इस पर क्लिक करना है, गाइस आपको अपने नीचे की साइड ला के रखना है और आपका भी अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लेना है। सो गाइस अभी क्या करना है, आपको यहाँ से अपनी पहली लाइन बोलनी है, ठीक है, संता बनता वाली। तो पहले आपको लाइन पढ़नी है और उसके बाद आपको यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेनी है, ठीक है, आपको यहाँ पे इस वाला ऑप्शन क्लिक करना है एंड आप यहाँ पे बहुत ही इजीली रिकॉर्ड कर सकते हो। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। देन आपको सेव वाला ऑप्शन क्लिक करना है और आपको यहाँ पे इस वाली वीडियो को अपनी गैलरी में सेव कर लेना है। सो गाइस यहाँ पे हमारी पहला करेक्टर तैयार हो चुका है, ठीक है, आवाज के साथ। तो गाइस अभी क्या करना है, आपको यहाँ पे दूसरे करेक्टर में भी आपको यहाँ पे ऐसे ही वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो आपको यहाँ से बैक करना है, देन आपको फिर से ऐड मीडिया पे क्लिक करना है और गाइस आपको यहाँ से अपना दूसरा करेक्टर चूज कर लेना है, ठीक है, बैंगन वाला। तो क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसे कर लेंगे चूज। सो यहाँ पे आ चुका है, गाइस आपको यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा करना है एंड आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लेना है। सो यहाँ पे हो चुका है, गाइस आपको यहाँ से अपनी दूसरी लाइन को सूट कर लेना है, ठीक है, इस वाला ऑप्शन क्लिक करके। तो गाइस आपको अभी बनता वाली लाइन को सूट करना है, तो मैं ऐसे फटाक से कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सूट हो चुके, देन आपको पे नेक्स्ट वाला ऑप्शन क्लिक करना है और आपको पे सेव वाला ऑप्शन क्लिक करके इसे अपनी गैलरी में सेव कर लेना है। सो गाइस यहाँ पे मैंने दोनों वीडियो रिकॉर्ड हो चुके हैं, ठीक है। तो गाइस अभी क्या करना है, आपको यहाँ पे इन दोनों वीडियो को आपस में जोड़ना है और गाइस आपको वायरल साउंड इफेक्ट भी एड करना है। तो कैसे करना है अभी बिल्कुल ध्यान से देखना। आपको यहाँ से बैक करना है और गाइस आपको अपने वी एन ऐप को ओपन करना है, ठीक है, वी एन ऐप को। और गाइस आप वी एन ऐप को प्ले स्टोर से इजिली जाके डाउनलोड कर सकते हो। देन आपको प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे और गाइस आपका अपनी पहली वाली वीडियो चूज करनी है, गाइस जो कि संता वाली वीडियो है, ठीक है। तो क्लिक करेंगे, चूज करेंगे और गाइस उसके बाद आपको पे बनता वाली वीडियो चूज करनी पड़ेगी, ये वाली। देन आपका पे एयर वाला ऑप्शन क्लिक करना है, गाइस अभी बिल्कुल ध्यान से देखना।
देन आपको लास्ट में जाना है वाटरमार्क पे क्लिक करना है और आपका पे डिलीट कर देना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपका अपने वीडियो का एक्स्ट्रा पार्ट कट कर लेना है। तो अगर जहाँ पे आप यहाँ पे बोलना स्टार्ट कर रहे हो और जहाँ पे आप यहाँ पे बोलना बंद कर रहे हो, ठीक है, आपको गाइस वीडियो को कट कर लेना है। सो गाइस मैं फटाक से कर लेता हूँ। यार मैं जो भी काम करता हूँ मेरी बीवी बीच में आ जाती है। यार तू ना ट्रक चला के देख, शायद तेरी किस्मत तेरा साथ दे दे। तो वैसे वीडियो का एक्स्ट्रा पार्ट कट हो चुका, तो वो सभी क्या करना है आपका पे एनिमेशन ऐड करने पड़ेंगे। जैसे आपका पे पहले वाली वीडियो पे क्लिक करना है, साइड में सेलेक्ट करना है, जैसे आपका पे जूम वाला ऑप्शन क्लिक करना है। जैसे आपका पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, आप यहाँ पे किसी पे भी क्लिक करके आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। सो जैसे मैं जूम आउट वाला चूज करूँगा, ठीक है, देन आपका रेड वाला ऑप्शन क्लिक करना है। जैसे आपका पे अपनी अगली वाली वीडियो पे क्लिक करना है, आपको फिर से जूम वाला ऑप्शन क्लिक करना है। जैसे आपका अपने दूसरा वाला इफेक्ट चूज कर लेना है, ठीक है। आप यहाँ पे राइट भी कर सकते हो और आप यहाँ पे ऊपर नीचे वाला भी कर सकते हो। तो बस फिलहाल मैं पे जूम इन वाला चूज करूंगा, देन आपका राइट वाला ऑप्शन क्लिक करना है। देन आपको वीडियो के लास्ट में जाना है और कैसे आपका पे अच्छी तरीके से ये देखना है कैसे आपका पे जो लास्ट वाला करेक्टर है कहाँ पे बोलना बंद कर रहा है। तो कैसे आपका पे थोड़ा वाइट टाइप का करना पड़ेगा, वो किस वहाँ पे बोलना बंद कर रहा है। आपको पे स्प्लिट वाला ऑप्शन क्लिक करना है, आपका पे अगले वाले पार्ट पे क्लिक करना है, फिल्टर वाला ऑप्शन क्लिक करना है, एडजस्ट वाला ऑप्शन क्लिक करना है और कैसे देखो आपका पे इसकी सैचुरेशन को आपको बिल्कुल जीरो कर देना है, आप बिल्कुल वाइट हो जाएगा। देन आप राइट वाला ऑप्शन क्लिक करना है, जैसे आपको फनी साउंड ऐड करना है तो बिल्कुल ध्यान से देखना। जैसे आपको साउंड वाला ऑप्शन क्लिक करना है, म्यूजिक वाला ऑप्शन क्लिक करना है, देन आपको पे माई म्यूजिक पे क्लिक करना है और कैसे आपका पे म्यूजिक लाइब्रेरी पे क्लिक करना है, ठीक है। इस पे अब कैसे आपका पे फनी साउंड मिलेगा ये वाला, और कैसे आप मैं जिस फनी साउंड का यूज करूँ तो बस इसकी लिंक आपको नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो क्लिक करेंगे और आपका पे यूज वाला ऑप्शन क्लिक करना है, ठीक है। देन आपको राइट वाला ऑप्शन क्लिक करना है और कैसे आपका पे इसको पीछे की साइड लेके आना है। सो कैसे आप इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट पहले यहाँ पे वो कट कर देते हैं, ये आपको पीछे की साइड लेके आ जाना है जहाँ पे आपका फेस वाइट हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे हो चुके थे ना, आपका भी प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है, कैसे आपका भी बहुत सारे इफेक्ट देखने के लिए मिल जाते हैं। आप यहाँ पे लास्ट में कोई भी चूज कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल अगर मैं यहाँ पे जूम वाला चूज कर लेता हूँ, आप यहाँ पे जूम आउट भी कर सकते हो। सो अगर यहाँ पे ये वाला चूज करेंगे, देन आपका राइट वाला ऑप्शन क्लिक करना है, कैसे वीडियो बन के रेडी हो चुकी है, बाकी वीडियो को चला के देख लेते हैं। यार मैं जो भी काम करता हूँ मेरी बीवी बीच में आ जाती है, तू ना ट्रक चला के देख, शायद तेरी किस्मत तेरा साथ दे दे। वीडियो बहुत हार्ड तरीके से बनके रेडी हो चुके थे, आपको इस वाला ऑप्शन क्लिक करना है, राइट वाला ऑप्शन क्लिक करना है, ऑटोमेटिक ये वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। और गाइस इस वाली वीडियो में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, सो गाइस वीडियो को बिना लाइक किए और चैनल को सब्सक्राइब किया गाइस बिल्कुल भी मत जाना। और गाइस वीडियो कैसे लगे कमेंट में जरूर से बताना।